ये है मारुति सुजुकी ड्राइविंग स्कूल का दोनों कार, और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे मारुति सुजुकी कार पोर्टर वर्ल्ड पे, और ये है आपका ड्राइविंग स्कूल। सीखने के बाद आप लोग कुछ सर्टिफिकेट्स कुछ प्रोवाइड करते हैं? सर्टिफिकेट दिया है। अच्छा, हाय हेलो नमस्कार एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो मैं घर से निकल चुका हूँ, आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो चलिए गाइस मेरे साथ वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मुझे इनवाइट किया गया है, मेरा एक फ्रेंड है बिप्लव बोरा, उसने मुझे बोला था कि गोड़चुक में उसका शोरूम है जहाँ पे वो जॉब करता है, और वो ये है मारुति सुजुकी। तो आज का मेरा ब्लॉग यहाँ पे ही होने वाला है गाइस। तो देख सकते हैं आप लोग, ये है मारुति सुजुकी पोर्टर कार वर्ल्ड। आप लोग को भी अगर गाड़ी सीखना है गाइस तो आप लोग इस ब्लॉग को देखिए, इस वीडियो को देखिए और वीडियो में बने रहिए, तभी आप लोग जान सकेंगे, देख सकेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए उनको कॉल करते हैं, लाउड स्पीकर ऑन। सुन तो मेरी जाना। ओ भाई कहाँ हो भाई? ऑफिस, मैं तुम्हारे ऑफिस के नीचे हूँ। हाँ तो चलिए अंदर तक चलते हैं, वो है एंट्री, वहाँ से एंट्री करते हैं पहले। तो गाइज ये देख सकते हैं, इसी गाड़ी से सिखाया जाता है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए तो इसी गाड़ी से सिखाया जाता है। तो ये है मारुति सुजुकी ड्राइविंग स्कूल का दोनों कार, मैं अच्छे से दिखाऊंगा, थोड़ा टाइम आप लोग वेट कीजिए। मारुति सुजुकी ड्राइविंग स्कूल माने तो तलते ऑफिस ना। ओके ठीक है सर। तो ये है स्कूल, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आप लोगों को सबको डिटेल्स में मैं बताऊंगा। तो गाइज मैं हूं अभी बिप्लव बोरा के साथ, और मैं आ चुका हूं यहां पे मारुति सुजुकी कार पोर्टर वर्ल्ड पे, और ये है आपका ड्राइविंग स्कूल जो कि आपको ग्राउंड फ्लोर में ही मिलेगा। और ये बताएंगे आपको डिटेल्स में कि गाड़ी कैसे सीखा जाता है। तो बिप्लव जी थोड़ा सा बताइए मेरे व्यूअर्स को। हाँ, सबसे पहले मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि मुझे हिंदी थोड़ा इतना कंफर्टेबल नहीं है। हाँ ये आपने मुझे बताया था, हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, तो वो एसएमएस में बात करेंगे आपको और मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट कर दूंगा जी। तो ओके अच्छा, पुन प्रथम हमारे यहाँ सारीटा कोर्स पा जाए, ठीक है लार्निंग जो एकदम फ्रेशर है फ्रेश सीटर कारण तीन कोर्स आस हल 21 डेज, 26 डेज और 31 डेज। ओके ठीक है, और जोबाद एडभांस कोर्स मैं अलग सलग जाने বহুত আগতে চলাইছিল গাড়ি পাহৰি গৈছে, তো সিহঁতৰ কাৰণে এটা এডভান্স কোর্স দিয়া হয়, সেইটো অকল 10 ডেজৰ কাৰণে। আচ্ছা, এতিয়া মেক্সিমাম 21 ডেজটোতে আমাৰ গোটেইখিনি হৈ যায়। ওকে পাৰি যায় আৰু, मतलब 21 डेज में, मतलब वो गाड़ी कोई भी हो, चाहे मैं ही हूँ, अगर आपके पास मैं सीखने आया तो मैं 21 डेज में गाड़ी सीख जाऊंगा। श्योर हो जाए? श्योर। फिर ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, 21 डेज हो जाए। किसुमान एनुका मानु आहे जे तेनलोगर अलग बयक तो माने अलग बेसी हो जाए तेते शिकिबो आहे, तेउ हेतु समय माने शिकिबो पारा नासिल, इता समय पाइसे शिकार, ते तेनलोगर कारणे 26-31 तो बेटर आरो। বাকি আমাৰ নিচিনা মানে এজৰ বিলাকৰ কাৰণে সেইটো 21 ডেজত হৈ যায়। আমাৰ যোনটো 21 কোৰ্চটো আছে তাতে আমি তিনিদিন থিয়ৰি দিওঁ, থিয়ৰি দিয়া হয়। আপুনি দেখা পাইছে কি জানি এইটো থিয়ৰি ৰুম হয় আমাৰ। অ' আচ্ছা, এইটো আমি ইয়াতে বহি কেনে থিয়ৰি দিওঁ। এ গাইজ ক্লাছ হে, তো ক্লাছ হে ইয়ে, ক্লাছ ৰুম হে, চেয়াৰ বেগৰা লগা হুৱা হে অৰ সো। আচ্ছা হে, বঢ়িয়া হে। আৰু सिमुलेटर बोले एक मेसिन आए सीट मैं अपना देखाम। क्या बोलते हैं सिमुलेटर? वो उसमें क्या होता है? सीट मैंने अपना हेरी है एकदम गाड़ी दौरे एजेटिक्स, खाली डिस्प्ले आई थे गाड़ी एन। अच्छा, बाकी क्लच ब्रेक गियर गोटेखी समस्त। अच्छा, गोटेखी गाड़ी दौरे। तो वो कितना दिन मुझे सीखना पड़ेगा? सीट अपना 5 दिन दिया है। 5 दिन दिया। ओके, और फिजिकली जो हम गाड़ी में सीखेंगे वो कितना दिन लगेगा? सीट 10 दिन। वो 10 डेज और ये 5 डेज, 15। और आपने जैसे बताया कि थ्योरी 3 दिन, थ्योरी 3 दिन, मेसिन 5 दिन, एपिने हो गल अपना 8 दिन, एदिन डेमो दिया है और एटा प्रैक्टिकल एग्जाम लवा है लास्ट डे। ओके, लास्ट डे दिन माने एटा एग्जाम लवा है जे केने के चलाई से की कथा हे विषय एटा परीक्षा। अच्छा, मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा मैं रोकता हूं आपको सीखने के लिए, मतलब मुझे कितना अमाउंट देना पड़ेगा सीखने के लिए यहां पे? सो मैं खेतो को बना जाऊं जे मैं बेलेक ड्राइविंग स्कूल और मैं भाट मारिबो ना जाऊं कथा तो एनुका धरनर আমি যদি 7 লাখ টাকা যদি বা 70 লাখ টাকা যদি গাড়ি এখন লব পারো আমি তাতে 7000 টাকাটা খরচ করব কেউ নোৱাৰি পারিম কি হ্যাঁ না না নিশ্চয় তে আমার ইয়াতে যোনটো 21 দিনিয়া কোর্সটো আছে সেইটো 6000 হয় প্রাইস 6000। ওকে, কিন্তু তাতে জিএসটি আছে। ও, জিএসটি ইনক্লুড? জিএসটি ইনক্লুড, তাতে 1080 টাকা জিএসটি দিব লাগিব।
হয় নাই তে জিএসটি সিএসটি লৈ 7080 টকা হয় জিএসটি ইনক্লুড কৰি কেনে আচ্ছা আৰু যোনটো 26 দিনে আছে সেইটো 8000 টকা হয় তাতেও আকৌ জিএসটি আছে 1440 টকা তাতে আকৌ 9940 টকা টোটেল হৈ যায় আচ্ছা জিএসটি লৈ আৰু যোনটো 31 ডেজৰ কোর্সটো আছে সেইটো 9500 টকা হয় জিএসটি উইথ 1710 টকা লগতে টোটেল 11210 টকা আৰু এটা আছে এডভান্স কোর্স মই যোনটো কৈছিলোঁ অলপ আগতে সেইটোত অকল 10 ডেজ প্ৰেক্টিকেল দিয়া হয় তাতে মেচিন চেচিন একো দিয়া নহয় থিয়ৰিও দিয়া নহয় যোনে অলপ চলপ জানে বহুত আগতে চলাইছিল তেওঁৰ মানে কনফিডেন্স লেভেলটো গুচি গৈছিল পেহলে শিখ চুকা হয় জিসকো 50% আতা হয় ৱো আকে মতলব আপসে শিখে তো ডাইরেক্ট উসকো আপ ফিজিক্যালি দেঙ্গে উসকো উসকো মতলব মেশিন উসিন মে কোই জরুরত নেই তো ৱো 10 ডেজ মে হো জায়েগা হেতো 10 ডেজ হো জায়েগা ওকে ওকে ঠিক আছে তে তেনুকা স্টুডেন্টৰ কাৰণে এনে 4500 হয় উইথ জিএসটি লগায় 5310 টকা আচ্ছা মে আগর ইয়া সে মে আগর গাড়ি শিখতা হউ কার চালানা আগর শিখতা হউ তো শিখনে কে বাদ আপ লোগ কুছ সার্টিফিকেটস কুছ প্রোভাইড করতে হয় সার্টিফিকেট দিয়া হয় আচ্ছা সার্টিফিকেট দিয়া হয় আর অ্যাডভান্স কোর্স তো শিখিব হলে কিন্তু ইয়াতে আপনা লাইসেন্স দরকার যেটা জয়নিং তো হই যায় হই যোৱাৰ পিছত তেতিয়া আমি এখন এনেকুৱা ধৰণৰ এখন কিতাপ দিওঁ এই কিতাপখনত গোটেইখিনি ডিটেইলস ইয়াতে দিয়া হয় গাড়ির বিষয়ে গোটেইখিনি সমস্ত ডিটেইলস দিয়া আছে তারপর যেটা জয়নিং হয়ে যায় আমার যেটা প্র্যাকটিক্যালত যেটা নামা হয় যেটা প্র্যাকটিক্যাল আপনার আরম্ভ হব আর ফার্স্ট ডে তো এ এখন আছে এখন আমার হল প্রসেসিং কার্ড বলে কয় এখন ইয়াতে কেনেকে কি শিকাব লাগে সেইখানে গোটেখিনি ডিটেইলস দিয়া হয় আপনি চাও পড়ে এই ফার্স্ট ডের পর আরম্ভ করো ফার্স্ট ডেট কেনেকে স্টেরিং ধরব লাগে প্রিপেয়ার টু মুভ অফ তো ফার্স্ট ডে কেসে মতলব কি স্টেরিং কো পকড়না পড়তা ইয়ে হ্যায় আর ফির কিয়া হ্যায় মুভিং অফ उसके बाद मूविंग ऑफ फ्रॉम बिहाइंड अ कार सेकंड डेट अपनर क्लास ब्रेक केने का मारिबो लागे किमान खिनि दिबो लागे हे बिषय बुझाय माने सीरियली वन बाय वन करि पर डे डे बुझाय बुझुवा होय ओके आ सेकंड डे दिन अपनर क्लास ब्रेक एस्केलेटर किमान दिबो लागे रास्तात किमान मारिबो लागे किछु माने डायरेक्ट ब्रेक टु पेसी को प्रेस कर दे किछु माने कम करि मारे हे बिषय बुझुवा होय सेकंड डे बाकी थर्ड डे अपना केने का पार्किंग उपर उलाबो लागे कोट पार्किंग करिबो लागे পার্কিং করব হলে কেনে কি প্রসেস করব লাগে সেখানে বুঝা হয় ফোর্থ ডে ফিফথ ডে এনেকে লাইন বাই লাইন গোটে 10 ডেজ ধুনিয়া করে গোটেখিনি সম্পূর্ণ আহি যায় আপনাদের তো সমস্ত দেখা পাইছে আমার মারুতি ড্রাইভিং স্কুলের গোটেখিনি প্রসেস প্রথমর পরা শেষলৈ শেষ হওয়া নাই দিয়কচোন এটাও এটা আমার মেশিনটো আছে সিমুলেটর মেশিন আছে মেশিন মে কেসে শিখা যাতা হ্যায় কেসে শিখাযা যাতা হ্যায় তো আবি জেসে থিওরি মে বিপ্লব জি নে বহুত আচ্ছে সে বতা দিয়া ঠিক হ্যায় আপ লোগ ভিডিও কো দেখিয়ে আচ্ছে সে উইদাউট স্কিপ দেখিয়ে আপ লোগো কো শিখনে কো মিলেগা জাননে কো মিলেগা আগর আপ লোগ ইয়াহা পর আগর আতে হ্যায় আপ লোগো আগর কার শিখনা হ্যায় মে ডিসক্রিপশন মে বিপ্লব জি কা নম্বর দে দুঙ্গা উসমে আপ কন্টাক্ট করকে আপ ইনসে বাত করকে ইয়াহা পে আ সকতে হ্যায় গাড়ি শিখ সকতে হ্যায় কিয়া বিপ্লব জি হয় হয় কুছ ডিসকাউন্ট মিলেগা কিয়া মেরে ভিউয়ার্স কো কি আগর মেরা ভিউয়ার্স আতা হ্যায় আপকে নিশ্চয় যদি আপনার পেনের পা হ্যাঁ আমার ইয়ারপা 10% কিবা একটা ডিসকাউন্ট করে দেওয়া হবে ওকে আমার মানে মারুতি সুজুকির পোদ্দারর আমার তিনখন আছে ড্রাইভিং স্কুল এখন আছে আপনার রাজগড়ত এখন আছে বরবারিত আর এখন আছে ইয়াতে গড়সুক চারিআলি পুলিশ স্টেশন মতলব পুরা গুয়াহাটি মে আপকা তিন ব্রাঞ্চ হয় মারুতি সুজুকি কা ড্রাইভিং স্কুল জো এনে বেলেক বেলেক আছে তেনে কা ধলক আপনার পল্লবী মোটরস আছে মিত্তলর আছে কিন্তু আমার পোদ্দারর তিনখন আছে ও আপলোকা পোদ্দার কা থ্রি হে जो जो कार सीखना चाहते हैं जो जो न्यू कार लिए हुए हैं वो अगर आकर यहाँ पर सीखना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर दिया रहेगा मारुति सुजुकी का तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं प्रथम जिनखिनि प्रोसेस हेखिनि गुटेखिनि म कोइ दिलु केनाके की करा तार पिसत तो आमार मेसिन एटा आसे सिमुलेटर मेसिन बुली कय जोंतो म कइसिल अलब आगते हेतु 5 दिन दिया हाय हे मेसिन तो आपना देखा मिथिया तो चलिए गाइस तो मेसिन को लगते সবতকৈ ইন্টারেস্টিং কথা হল যে আমার যোনটো মেইন গাড়ি যে আছে যোনটো প্র্যাকটিক্যাল করাম 10 ডেজ সেই গাড়িটোত আমার দুই সাইডে আছে ক্লাস ব্রেক মানে এইটো সাইডেতে থাকিবই ক্লাস ব্রেক এসকেলেটর লগতে এইটো সাইডেও আছে ওয়াও কাছ ইন্টারেস্টিং মে তো আজতক দেখা নাই সেখিনো আপনি দেখা পাবো বাৰু ওকে তো চলিয়ে মেশিন দেখাইয়ে মুঝে একবার আইয়ে আহো তো গাইস ইস মেশিন কে বারে মে বতা রাহা থা তো চলিয়ে দেখতে হ্যায় ইয়াত আপনার গোটেই আছে ক্লাচ ব্রেক এক্সেলেটর গোটেই আছে ক্যালিবার স্টিয়ারিং গোটেই আছে এবার ছাবি এটা আমি গাড়ি স্টার্ট করিম ওকে এটা এক নম্বর গিয়ার লাগালো ওকে ওয়াও গাইস বহুত হি জ্যাদা ইন্টারেস্টিং বহুত আচ্ছা লাগ রহা হ্যায় দেখ কে কিপ গোইং স্ট্রেট আর যদি ইয়ার পর আমি সাইডত গুছি যাও যদি ইয়াত সাইডত গুছি যাও তাহলে আপনার আউট অফ রুট দেখাই দিব ইয়া
যদি আমি সাইডত গুছি যাও আউট অফ রোড ওকে আহি আছে আপোনাক দেখাবো পারে তো ইয়ে স্পিড ব্রেকার এনেকুৱা ৰাস্তা ভাঙা থাকিলে আমি স্লো যাব লাগে আমি স্পিড যাব নোৱাৰো ওকে ওয়াও তাৰ লগতে আৰু আছে দেখা যেতিয়া আপোনাৰ কমপ্লিট হৈ যায় মিশনটো হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত কিবা যদি আপুনি ভুল কৰে গোটেইখিনি ইয়াতে আহি যাব এইটো যেনে টাৰ্ণিং ছিগনেল আপুনি দিয়া নাই হয় নাই তাৰপিছত ইমপ্ৰপাৰ লেন যোনটো আপুনি লেনটো বাৰে বাৰে চেঞ্জ কৰি আছে লেনটো বাৰে বাৰে এইটো ৰাস্তাৰ পৰা এইটো ৰাস্তা গৈছে উইদাউট ইণ্ডিকেটাৰ তেতিয়া আপোনাৰ ইয়াতে আহি যায় যে আপুনি এবাৰ মিছ কৰিছে কেইবাৰ মিছ কৰিছে এইটো तो गाइस थोड़ा सा मैं भी सीख लेता हूँ थोड़ा सा मुझे भी सिखा दीजिए पहले क्या करना होगा मुझे पहले सबसे प्रथम तो कौन प्रथम है अपने हिसाब से दिवा लेगा फुल क्लच दी के फुल क्लच क्लच टू कौन को है हेड साइड टू क्लच अच्छा ये क्लच है क्लच तो क्लच को पूरा फुल फुल दबाए है सभी टू दिवा ओके तो सभी टू घुरा बारे घुरा एक बार ऑनली स्टार्ट ओके अच्छा इतने अब एक नंबर गियर दिखाइए मेरे व्यूवर्स लोग को यहाँ पर भी दिखाइए फिर यहाँ पे भी दिखाइए फिर उनको भी दिखाइए सब जगह एक बार दिखा दीजिएगा ओके तो पहले मुझे क्या देना होगा एक नंबर क्या दिखाएगा कौन से कैसे जो अपना हाथ कौन ओके यानी कि ठेली को यानी कि ये तो अपना लिखा है सब एक नंबर क्या तो क्या होगा मैं अपन दिखा दियो पड़े ये तो न्यूट्रल दसिल है ना एक नंबर जब हमने यार पर ऊपर ইয়াৰ পৰা ওপৰত যাব লাগিব নাই গতিকে হাতখন এনেকে দি এনেকে ঠেলিব লাগিব আচ্ছা উসকে বাদ ঠিক আছে এতিয়া আপুনি নাহেলে ক্লাছ টু এৰাও কি নিজে আগবাই ঠিক আছে गाइस पहली बार मैं सीख रहा हूँ इस मशीन में काफी अच्छा लग रहा है और बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये मशीन तो देख ही सकते हैं आप लोग क्लास दे दियो ओके और लहाय एक बार ब्रेक टू दे दियो माने जो रोकी हो दिस इज स्लो हो ना हां अपना हार्ट दिस ब्रेक टू यस तो ठीक है आपको क्लास टू लो ये नीचे गति को लहाय लहाय तो विप्लव जी हाँ। यहाँ पे आप लोग का ड्राइविंग स्कूल का मैंने गाड़ी भी देखा यहाँ पे हाँ। तो आप लोग यही दोनों गाड़ी जो है ये आप लोग इसी में सिखाते हैं ना मैंने ये हो गल मूर गाड़ी और ये हो गल मोर लगत जो जन पंकज बोली आसिल ओके आप गाड़ी भी ठीक है सुना नहीं तो गाड़ी के अंदर क्या क्या है गाइस थोड़ा सा देख लेते हैं ओ वाओ तो ये टू साइड है क्लास एंड ब्रेक ये टू हमार है इंस्ट्रक्टर और ये टू साइड है जोने सोलाबो ड्राइवर তেও কিবা কারণত কবাত লাগু লাগু যদি হয় গাড়িখন তেতিয়া হলে আমি এটু ব্যবস্থা কৰিম মারা ওকে মানে এটু ঘটনা হবলৈ ইয়াতে মতলব আপ বেঠতে হয় মতলব হয় জো মত ইনস্ট্রাক্টর ইয়াতে বেঠতা হয় আর ইয়াতে আপকা স্টুডেন্ট বেঠেগা হয় তো কুছ ভি আগর প্রবলেম হো জাতা হয় তো আপ ইয়া সে ব্রেক কন্ট্রোল কর লেন গাড়ি কো ওকে স্টুডেন্ট কব তক আয়েগা স্টুডেন্ট আহি আছে আর 10 মিনিট আছে বাকি মর্নিং অর বহুত থাকে কারণ সবে ডিউটিত যাইতো মর্নিং ক্লাসত আমার মানে উখা উখা লব নৰ ইমান ক্লাস হয় ইভিনিং অটো আহিব দুই চাৰিটা মান আহে এতিয়া বৰ্তমান আহি আছে আৰু দহ মিনিট মান আছে গতিকে অলপ টাইম ৰখক বৰ্তমান চাব আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আহি পালে ষ্টুডেণ্ট ওকে হাই হাই তো আজ ইনকে সাথ মতলব আপ নিকলেঙ্গে হয় মই বস্তুবিলাক বিলাক দেখাই আছে প্র্যাকটিক্যাল তো মই বৰা আছে তো ওকে ওকে তো কিতনা টাইম লাগেগা ম্যাক্সিমাম আধা ঘন্টা হয় 10 কিলোমিটার দিয়া হয় 10 কিলোমিটার ওকে তো চলি इसको थोड़ा पीछे रख दीजिए ना इफ यू डोंट माइंड दूर बंद करेंगे स्टूडेंट आ चुका है तो भैया आपका नाम मेरा नाम अमन मलिंग अमन मलिंग गाड़ी तो एजेंसी तो बहुत अच्छा है एजेंसी बहुत अच्छा है ना और आपका इंस्ट्रक्टर कैसा है इंस्ट्रक्टर तो एकदम ए क्लास है ए क्लास है ना मैनेजर को मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर मेरा ड्राइविंग परफेक्ट हो गया तो मार्क्स को ये खोल लीजिए आप हाँ तो मैं चार नंबर दे दिया इंस्ट्रक्टर को मेरा अपना तरफ से कुछ रिवार्ड देगा वाह 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 क्या बात है विप्लव जी ये देखिए कितना बढ़िया चला रहे हैं
ओनली 7 डेज में ये भैया ने गाड़ी बहुत ही अच्छे से सीखा है। मैं यहाँ पे बैक सीट में बैठा हूँ और मैं खुद देख रहा हूँ ये भैया 7 डेज में ऐसा, मतलब कि रोड पे बहुत जाम होता है, अभी भी जाम है और छोटा मोटा रोड है ये, बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे भी ये भैया बहुत ही अच्छे से गाड़ी को चला रहे हैं, स्मूथली चला रहे हैं। फिलहाल आता है प्रॉब्लम, भैया बहुत स्पीड चलाता है। अच्छा तूफानी तूफानी स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ। हाँ ये बात तो सही है, बहुत ही अच्छा आपने थॉट बोला, स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ, मतलब सीखना होने के बाद भी सीखा हुआ पीछे तो स्लो स्लो चलाब खड़े परफेक्ट चलो स्लो चलाओ काफी हद तक आपने अच्छा चलाया है, जो सच्ची बात बताता हूँ, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप मतलब सीखने आए हो। हाँ कहीं कहीं लगा, 7 डेज के हिसाब से बहुत ही अच्छा आपने चलाया है, सच्ची में बोलता हूँ। हमके 6 बज चुके हैं और मेरा आज का वीडियो यहीं तक का था और मैं आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ड्राइविंग स्कूल अब क्लोज हो चुका है और अभी हम लोग जाएंगे घर, डायरेक्ट घर जाएंगे। तो बस गाइज आज का जो वीडियो था इतना तक ही था, आज का वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू कंटेंट के साथ। जो वीडियो तो सारे भल पाए अपने लाइक करिबो, शेयर करिबो, कमेंट करिबो, सब्सक्राइब कर दिबो और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक तो दिया थाकिबो, फोन नंबर दिया थाकिबो, आपन लगे तो कॉल करिले हो और तार स्कूल विषय जानि दिया। ओके आशा करो आपन लगे सारे भल लागिस, धन्यवाद।